नमस्कार प्रणाम, अलर्ट फिल्म चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज आए हैं एक और नए सिंगर के साथ, जो कि कहां से आए हैं सर आप? नवादा से, सोफिया से। क्या नाम हुआ? मसूरी लाल यादव। तो मसूरी लाल यादव जी आज पहुंचे हैं हलगढ़ म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जो कि ये ऑलरेडी गाने गा चुके हैं मार्केट में। कहाँ कहाँ से गाना गाए हैं आप और कौन कौन सा गाना गाए हैं और कैसा रिस्पॉन्स रहा बताइएगा? गाना तो बहुत गाए, हमारा म्यूजिक हो गया पावापुरी में, नजारा म्यूजिक सिवान की राजगीर में, बहुत सारा गाए पर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता अच्छा, इसीलिए यहाँ पे आए। चलिए, इनका कहना है कि बहुत सारे स्टूडियो में गा चुके हैं लेकिन रिस्पॉन्स इनके गाने का और इनको नहीं मिला कोई स्टूडियो में, ताकि ये आगे और काम कर सके अच्छी तरह से। तो आज हलगढ़ म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए हैं और नए गाने लेकर आए हैं, पहली बार आए हैं, और इनका रिकॉर्डिंग और किस तरह से गाते हैं सारी चीज देखने के लिए इस वीडियो से बने रहिएगा। और सबसे पहले तो मैं इनका ये परिचय लेना चाहूंगा कि सुर लय स्केल के बारे में जानते हैं या नहीं, तो आप उनको बताइए। मसूरी लाल यादव जी, मसूरी लाल यादव हुआ ना? अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि आपका ये नाम कौन रखा? हम खुद से बचपन से सोच के थे ना। अच्छा, तो मतलब कि आपका हर एक गाने में टाइटल ये लगता है ना, मसूरी लाल यादव? जी, आहिर मसूरी लाल यादव। अच्छा, और सर कोई गाना है जो कि आपका मिलियन में या फिर लाख में गया होगा व्यू? नहीं सर, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि इस गायकी की लाइन में सबसे पहले तो दो चीज को माइंड में रखना पड़ता है, है ना। पहला है क्या कि हम इस लाइन में उतरे हैं तो किस लिए उतरे हैं, यानी मतलब वो शौक से या फिर अपना नाम कमाने, ठीक है। तो हमको ये बताइए कि आप अपना नाम कमाने उतरे हैं या फिर शौक से उतरे हैं इस लाइन में? नाम कमाने। ये अच्छी बात है। कितना साल से इस लाइन में काम कर रहे हैं, कितना महीने से? एक डेढ़ साल हो गया। तो एक डेढ़ साल से काम कर रहे हैं, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला है और यहाँ है, चलिए अच्छा बात है। और स्केल सुर के बारे में आपको पता है, स्केल क्या होता है? और हारमोनियम पर रियाज किए कभी गाने को? थोड़ा मैंने कभी कभी किया। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे आए हैं सब क्लियर हो जाएगा, बस हम चाहेंगे कि कंटिन्यू रहे यहाँ पे, क्योंकि गाने गवाने से ज्यादा कुछ भी करने से पहले सिंगर को सबसे ज्यादा यहाँ पे सिखाया जाता है, वो खास बात है। आप जब तक अच्छा नहीं गाते हैं तब तक आपको फाइनल नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए म्यूजिक पे आपका सॉन्ग लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से गाते हैं। म्यूजिक प्ले करते हैं, ठीक है, म्यूजिक पे आइएगा। हेलो, देखिए स्केल बोल रहे थे ना, स्केल और बीट तो वही होता है, स्केल होता है जो आप अभी गा रहे थे, जो कि कोई स्केल में नहीं था, मतलब कि करने में लोग नॉर्मल गा रहे थे, ठीक है। तो हम करना चाहेंगे कि स्केल में गाइएगा तो सुनने मजा आएगा। हम पहले एक बार बता देते हैं कि इस म्यूजिक पे, इस ट्रैक पे और इस गाने को कैसे गाया जाएगा, ठीक है, तो सुनिएगा पहले, ठीक है। क्या है कि स्केल हो गई है, ठीक है, ये गाने को हम गा सकते हैं। अखिया से नींद चैन दिल की उड़ा वो है ये भी स्केल ही है, क्या है, नीचे से ये ऊपर से था, और गाना गवाएगा कौन फाइनली, तो ऊपर से स्केल होगा, ठीक है। हम नीचे से गाए तो मजा नहीं आ रहा है ना, तो इसी तरह से ऊपर या नीचे से गाइए लेकिन स्केल में गाइए, ठीक है। आपका विदाउट स्केल था, और चाहेंगे कि इसी तरह से फिर से म्यूजिक लगाते हैं, आप गाइएगा, ठीक है, म्यूजिक पे। Yeah, 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 y
यही होता है कोशिश, जितना हम बताएं उतना सुने, उतना प्रयास किए, स्केल में आ गए, ठीक है, और सुधारने की जरूरत है और सुधर जाएगा। और इसी तरह से आपका म्यूजिक पे रिकॉर्डिंग फाइनल होगा, तो जैसा कि देख रहे हैं इनका रिकॉर्डिंग, जो कि अभी स्केल और बीट का सारे चीज का प्रॉब्लम है इनका, तो इसी तरह से इनको थोड़े थोड़े करके अच्छे से गवाया जाएगा, म्यूजिक पे स्केल पिलाया जाएगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोग को नए वीडियो में। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हलगढ़ फिल्म चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर जो आपको कुछ भी सजेशन देना हो, कुछ भी बातें विचार करना हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और इस वीडियो को अच्छा पसंद आया होगा आपको लोग को, तो लाइक कर दें। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी नमस्कार, हम आप राहुल छोट भाई और छोट बेटा है, हलकट म्यूजिक का सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूले, और वीडियो अपलोड होते रहेगा, ऐसा ही देखते रहे हलकट म्यूजिक का। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।